नमस्कार, जय जवान जय किसान। आज 2 अक्टूबर और हम सब बापू को याद करते हैं, बट कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पीछे थोड़े से छिप जाते हैं। उन्हीं में से एक है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ही वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1964 टू 1966। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, एस्पेशली फॉर हिज रोल इन प्रॉम्प्टिंग इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड हैंडलिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। सो मेरे लिए ये बहुत, जब इंडिया पाकिस्तान आता है तो इट्स लाइक मैं काफ़ी, ये टचिंग टॉपिक है। द पार्टीशन वॉज नेवर गुड और आई ऑलवेज से लाइक माई प्रेफरेंस, कोई अपने आप को बापू बोल गया, कोई अपने आप को चाचा बना दिया, और जैसे पूरा हिंदुस्तान उनकी जागीर है वैसे हो गई। आई हैव माई ओन रिजर्वेशन विद दैट। फिर कभी इस पर बात करेंगे कि इट वॉज नॉट द इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट की वजह से मिला है। अंग्रेजों ने हमें चूस लिया था टू द कोर, और जब कुछ बाकी नहीं रहा तब वो हमें छोड़ के चले गए। सो खैर, वो एक अलग टॉपिक है। आज हम पर्सन हु वॉज मोर विथ इंटीग्रिटी, ही वॉज अ मोर ऑफ अ मैन विथ एक्शन, जिन्होंने हिंदुस्तान का एक पूरा नक्शा बदल दिया, कि वो बहुत ईमानदार थे और उनके बारे में जो भी कुछ बोला जाए वो कम था। सो दैट सेकेंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कोटि कोटि नमन, और उनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे आज। तो ये जो शास्त्री जी है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर को 1904 में मुगल सराय, जो अब नेम चेंज हो चुका है, दीनदयाल उपाध्याय नाम हो चुका है, उनमें उनका ये जन्म हुआ था। एंड उनकी जो इनिशियल एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, वो वाराणसी, दैट इज़ बनारस से हुई थी। बनारस में एक ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल इंटरस्टेट एक कॉलेज है, वहाँ से उनकी ये पढ़ाई हुई थी। एंड उनकी बेसिक जो आगे की जो डिग्री थी वो बनारस विद्यापीठ से हुई थी। एंड वेयर ही अर्नड दिस, ये जो शास्त्री जी की उपाधि थी उनको वहाँ पर उनकी मिली थी। उनके पिताजी का नाम था शरद प्रसाद श्रीवास्तव एंड माताजी थी उनकी राम दुलारी देवी। फादर टीचर थे और 1 साल की महज उम्र थी शास्त्री जी की वेन ही पास्ड अवे। बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही तकलीफ़ों से उनकी माताजी ने उनका उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाया, उनको अच्छी कॉलेज दी, तालीम दी। एंड अ ग्रेट लीडर वॉज बॉर्न, बिकॉज लाइक एट दैट टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ गांधी जी एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज फिलोसॉफी, हिज एथिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ही स्टार्टेड टेकिंग द पार्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना पार्ट लिया। तो इस तरह से शास्त्री जी एक पब्लिक डोमेन में एंटर कर गए और यहाँ से उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई। उसके बाद उन्होंने जो उनकी एजुकेशन थी वो ख़त्म करने के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो कांग्रेस में एक, उनको एक पोजीशन मिली और वहाँ से उनका ये जो आगे बढ़ने का जो एक सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहा। और इसमें सॉरी, ही बिकेम इनिशियली
मिनिस्टर बने. ही वॉज अ होम मिनिस्टर. ही वॉज लाइक और भी एक इम्पॉर्टेंट, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी आई थिंक उन्होंने ली थी. एंड इन 1964 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू. इट वॉज द थर्ड टर्म जहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर बने. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही टूक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज लाइक ऑफ द वॉर विथ पाकिस्तान ऑफ 1965. उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उस वॉर में अपना हैंड रखा और अपने आप को पोजिशन किया एंड इंडिया को जिताया. बट उसके बाद इन कुछ सर्कमस्टांसिस में जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ उसके बाद उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. एंड दैट इज ऑलवेज एक डाउटफुल एक चीज़ रही है. उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी ताशकंद फाइल्स जो आप देख सकते हो. तो ये उनका एक लाइफ का स्पैन था. ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट रिवोल्यूशन, दैट इज डेयरी डेवलपमेंट में भी उन्होंने काफ़ी उनका योगदान रहा. अमूल के अंदर उनका जो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर है. ग्रीन रिवोल्यूशन ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन हिज टेन्योर. तो अलॉन्ग विद दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर ये सब चीज़ें उन्होंने हासिल की थी. उनकी लेगेसी आज कंटिन्यू हो रही है. उनके एक बेटे आज एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, अनिल शास्त्री जी. ही इज़ फ्रॉम यूपी. एंड ऐसे लीडर जो बिल्कुल खामोशी में चले जाते, उनका कहीं नाम और निशान नहीं रहता है. वो कहीं अपना इतना चिल्ला चिल्ला के उनकी कोई लीगेसी ऑफ द फैमिली बोलती नहीं है कि जो भी कुछ किया हमारे फैमिली ने किया, तो ऐसा उनकी फैमिली से नहीं है. और ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था अबाउट लाल बहादुर शास्त्री जी. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.